ओ हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी भाई ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम आ गए हैं फिर से नई वीडियो में आपके लिए कुछ इस प्रकार का लोगो बनाने के लिए। इस प्रकार का लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें आ जाना है पिक्सल ऐप में। अगर ये आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल ऐप को आपको ओपन कर लेना है। पिक्सल ऐप को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको कैंसिल वाले बटन पर टैप करना है। कैंसिल पर टैप कर लेने के बाद आपको सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इमेज साइज पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको इस एरो वाले पे जाना है और यहाँ से आपको यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ओके पर टैप कर देना है। ओके पर टैप कर लेने के बाद आपको नीचे पांच ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको चौथे वाले ऑप्शन पर जाना है। चौथे वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद आपको कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इस पर आपको डबल बार टैप करना है और जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपको ओके पर टैप करना है। ओके पर टैप कर लेने के बाद आपको ए वाले आइकन पर आना है। फिर आपको आगे आना है कलर वाले ऑप्शन पर। कलर में आ जाने के बाद आपको सबसे पहले ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपने नाम के पहले वर्ड को आपको रेड कर लेना है। अब रेड कैसे करना है, आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है और इन सभी को आपको फुल कर देना है, जिससे ये बहुत गहरा हो जाएगा, जिससे हमें ये काफ़ी अच्छा हमारा नाम लगने लगेगा। फिर आपको एडिट के जो भी आपने आगे लिखा है उसके भी पहले वर्ड को आपको रेड करके सेव पर टैप कर देना है। फिर आपको आ गया है फॉन्ट वाले आइकन पर। माई फॉन्ट में जाना है और यहाँ से आपको इस वाले फॉन्ट को यूज करने ले लेना है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको ओके पर टैप करना है। ओके पर टैप कर लेने के बाद आपको इसे बीच में लाना है और आगे स्लाइड करना है। फिर आपको शेडो वाले ऑप्शन पर आकर इसे ऑन करके आपको इसे माइनस कर देना है और ओपिसिटी को ओसाई पर नीचे आना है और ओपिसिटी वाई को 5 कर लेना है, कुछ इस प्रकार। फिर आपको सही पर टैप कर देना है, यह आपका नाम बन के आ जाएगा। फिर आपको लेज वाले आइकन पर जाकर इसे लॉक कर देना है। इसे लॉक कर लेने के बाद आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर आना है और आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। इम्पोर्ट पर जाने के बाद यहाँ से हमें एक PNG की लिंक आपको मिल जाएगी, जिसे आपको यहाँ पर ले लेना है। इस PNG को ले लेने के बाद सही पर टैप करना है। फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर यहाँ से आपको येलो कलर को ले लेना है। फिर आपको इसकी साइज को छोटा करना है, कुछ इस प्रकार। इस बिंदु से आप इसकी साइज को छोटा कर लेना अपने हिसाब से, जितना कि आपको अच्छा लगे। फिर आपको आगे आना है शेडो वाले ऑप्शन पर और इसे ऑन करके आपको ब्लर रिड्यूस को आपको माइनस कर लेना है और ओपेसिटी को ऐसे ही देने देना है और सेव पर टैप कर देना है। ये आपका नेम थोड़ा बहुत बन के रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे प्लस वाले आइकन पर, टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट पर आपको डबल बार टैप करना है और यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। जैसे हम लिख लेते हैं 4K स्टेटस वीडियो एडिटर। फिर आपको ओके पर टैप कर देना है। सॉरी, माफी चाह रहा हूँ, 4K स्टेटस। ओके पर टैप कर लेने के बाद आपको कलर यहाँ से ए वाले आइकन पर आना है और कलर में आपको आना है। कलर में आ जाने के बाद आपको यहाँ से 4K को आपको रेड कर लेना है, वीडियो को भी आपको रेड कर लेना है और बाकी सबको ब्लैक कर लेना है। एडिटर को भी आपको ब्लैक कर लेना है। फिर आपको आ जाना है फॉन्ट वाले आइकन पर। माई फॉन्ट में जाना है और यहाँ से इस वाला फॉन्ट को आपको ले लेना है। फिर आपको इसकी साइज को छोटा करना है, कुछ इस प्रकार, और इसे यहाँ पर लाकर रख देना है। इसे यहाँ पर रख देने के बाद शेडो वाले आइकन पर जाएंगे, इसे ऑन करेंगे और ओपेसिटी को माइनस कर देंगे और ओपेसिटी वाई को 5 कर लेंगे और ओपेसिटी एक्स को भी 5। फिर आपको सेव पर टैप कर देना है। यह आपका कुछ इस प्रकार बन के आएगा। अभी हम इसमें और भी ऐड करेंगे।
कुछ इस प्रकार हो जाने के बाद आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर आना है, फिर से इम्पोर्ट पे जाना है। इम्पोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम इस वाली पीएनजी को आपको ले लेना है और सही पर टैप कर देना है। फिर आपको इसकी साइज को छोटा करना है कुछ इस प्रकार, और इसने अपने नाम के जो भी आपकी कैटेगरी है उसके नीचे इसे लगा देना है। इसे अच्छे से लगाने के लिए हम आएंगे पोस्टियन इस वाले ऑप्शन पर, इसे कुछ इस प्रकार आपको लगा देना है। फिर आपको चौथे वाले ऑप्शन पर जाना है ट्रांस मेटल, इस वाले आइकन पर आपको टैप कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले आइकन पर आपको टैप करना है, ये आपका ट्रांस मेटल हो जाएगा। फिर आपको सेव वाले आइकन पर जाकर इसे सेव कर लेना है। इसे सेव कर लेने के बाद सबसे पहले इसे सेव होने देते हैं, फिर आपको सबसे पहले फिर से बैक आ जाना है सबको उठा के, फिर आपको थ्री डॉट पर जाना है, इमेज साइज पर जाना है और इसकी साइज को आपको कर लेना है 576। ओके पर टैप करना है, न्यू टेक्स्ट को आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर जाना है, इम्पोर्ट पर आपको आ जाना है और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड लिंक मिल जाएगी, सॉरी उसे आपको ले लेना है। उसे ले लेने के लिए हमें इस वाली बैकग्राउंड को आपको ले लेना है, इसे फुल करना है और ले वाले आइकन पर जाकर इसे लॉक कर देना है। फिर आपको इम्पोर्ट पर जाना है, जो भी हमने पीएनजी बनाई थी उसे आपको ले लेना है। उसे ले लेने के बाद आपको सेव पर टैप करना है और ये आपकी आ गई पीएनजी। इसे रोटेट करेंगे, इसे माइनस करेंगे इस बिंदु वाले आइकन से और इसे यहाँ पर ला कर रख देंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा लोगो बन के रेडी हो चुका है। फिर आपको इसे सेव करने के लिए सेव वाले आइकन पर जाना है, इसे अल्ट्रा करके आपको सेव टू गैलरी पर टैप करना है, ये आपके आसानी से गैलरी में सेव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिससे आपको सभी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी।